नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के जिला रीवा में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने किया जनसंवाद। जिला रीवा स्थित तहसल तहसील में उस वक्त हंगामा मच गया जब जिला रीवा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज जनता से मिलने जनसंवाद करने तेउथर तहसील पहुंचे। सिद्धार्थ तिवारी राज के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगा द्विवेदी सोरावा, कौशलेश द्विवेदी, गीता राजमणि माझी समेत दो दर्जन से भी ज्यादा कांग्रेसी नेता जनसंवाद करने रीवा जिले के सैकड़ों किलोमीटर दूर तेउथर तहसील पहुंचे। इस बीच जनसंवाद कार्यक्रम का पहला पड़ाव तेउथर विश्राम गृह पर हुआ, जहां सिद्धार्थ तिवारी राज ने लोगों से उनकी समस्याओं को लेकर जनसंवाद किया। उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही इन सारी भूमिगत मुद्दों पर कांग्रेस प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर समस्या का निदान कराएगी। दूसरा पड़ाव तेउथर बाजार के सुकलान टोला में हुआ, जहां वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व तेउथर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष विद्यासागर शुक्ला के साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ता सिद्धार्थ तिवारी राज के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। इस बीच सिद्धार्थ तिवारी ने ताबड़तोड़ तरीके से विपक्ष पर हमला बोला कि विपक्ष ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल पार्टी के आपसी मतभेद में लगी हुई है। जनता से जनसंवाद करते हुए अपने संबोधन में अपने बाबा जी आदरणीय श्रीनिवास तिवारी व अपने पिता सुंदरलाल तिवारी को याद करते हुए तिवारी जी ने कहा कि मेरा तेउथर का रिश्ता बीते 50 सालों से भी ज्यादा का है। मुझे तेउथरवासी अपने घर का हिस्सा मानते हैं। पहले मेरे पूजनीय बाबा जी और पिताजी को भी तेउथर क्षेत्र के लोगों ने प्यार दिया, अब मुझे भी उतना ही प्यार दे रहे हैं। मुझे भी तेउथरवासी अपने घर का हिस्सा मानते हैं। पहले मेरे पूजनीय बाबा जी और पिताजी को भी तेउथर क्षेत्र के लोगों ने प्यार दिया है, अब मुझे भी उतना ही प्यार दे रहे हैं। प्रदेश की शिवराज सरकार कोरोना के समय भी साथ ना देकर सिर्फ खाना पूर्ति व अन्य आवश्यक काम करने में लगी हुई है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कांग्रेसियों का बड़ा कारवां तेउथर सिविल अस्पताल का मुआयना करने पहुंचा, जहां फिर सिद्धार्थ तिवारी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अस्पताल में आए लोगों से उनका हाल जाना व अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जाना। 100 बिस्तर अस्पताल पर श्री तिवारी ने कहा कि मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि बिन देरी किए तेउथर में 100 बिस्तर अस्पताल का निर्माण कराया जाए, साथ ही यहां पर बेहतर मेडिकल सुविधा भी मुहैया कराई जाए। कोरोना सैंपल रीवा ना भेजकर यहीं सैंपल का टेस्ट कराया जाए। टेस्ट होते जरूरी उपकरण यहीं मुहैया कराया जाना बेहद जरूरी है। जनसंवाद के कार्यक्रम में लक्ष्मीकांत दुबे, शिव सागर शुक्ला, विकास पाठक, आकाश मिश्रा, आशीष तिवारी, विकास मिश्रा, रविकांत, सत्यम, अमन शुक्ला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जुड़े रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके लोगों से आप तो कोरोना से लड़ रहे हैं, आप अपना पूरा काम कर रहे हैं, जैसे अपने पास बिल्डिंग रिसोर्सेस तो है, अगर इस दिन में ये किया जाए, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है, बॉर्डर एरिया, ठीक है, मैंने पहले भी ये बोला था, तो नीचे के टेस्टिंग सेंटर यहाँ नहीं बन सकता था। अगर गवर्नमेंट की बिल होती, आपका उसमें कोई रोल नहीं है, तो टेस्टिंग यही कहीं हो जाती है। अभी करीब मुश्किल से 10 दिन हम लोग नहीं, 10-15 दिन है, और जो दूसरी है टोटल कितनी होनी चाहिए? दादा श्रीनिवास तिवारी के जमाने में 20 50 में कितने लोग अस्पताल आए? 50 में डिपेंड करता है, अगर आप सुपर स्पेशलिटी लेवल बनाते हैं तो डॉक्टर होना चाहिए, जो भी डॉक्टर आप फैसिलिटी छोटे-छोटे